हेलो साथियों, प्रभात बायोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वायरस की दूसरी कक्षा पर बात करेंगे। पहली कक्षा में हमने वायरस की हिस्ट्री, उसके जनरल फीचर और उसकी लिविंग और नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी पर चर्चा की थी, लेकिन आज हम वायरस के नोमेनक्लेचर पर, वायरस के टैक्सोनॉमी पर, वायरस के स्ट्रक्चर पर अब हम चर्चा करेंगे। साथियों, जो वायरस की जो ओरिजिन है, हम थोड़ी बात बता दें कि वायरस की जो ओरिजिन है उस पर कोई भी अभी तक क्लियर निर्णय नहीं लिया जा सका है, क्योंकि इसकी कोई फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री है नहीं, इसके फॉसिल्स भी नहीं बनते। इस वजह से इसकी कोई फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप समझ में आती नहीं वैज्ञानिकों को, तो इसलिए अभी तक कोई इसके बारे में जानकारी नहीं हो पाई है। पुख्ता सबूत ये नहीं है कि हाँ, हम इस पर हम कह सकते हैं। हालांकि एक रिग्रेसिव हाइपोथेसिस इसके बारे में दी गई थी कि पहले ये जो है जीव रहे होंगे और बाद में इन्होंने अपने आप को रिग्रेस किया, रिडक्स किया, रिड्यूस किया, तो अब जैसी कंडीशन में हैं ये ऐसे बन गए। इसकी सपोर्ट में एक दो एविडेंस भी दिए गए, जैसे क्लेम आइडिया है या एक रिकेट्सिया जो सहवाल हैं वो होस्ट के अंदर जाकर ही अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, अपना लिविंग फीचर जो है उसको और अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, जिस प्रकार वायरस होस्ट के अंदर अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसे ही एक दो और हाइपोथेसिस दी गई, लेकिन उससे हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये इसका मतलब ओरिजिन कैसे हुई। तो ये इसके बारे में, इसके ओरिजिन के बारे में था। अब हम बात करेंगे वायरस के नोमेनक्लेचर के बारे में। तो देखिए, वायरस की जो नोमेनक्लेचर है या जो भी माइक्रोबायोलॉजिकल जो जीव हैं उनके नोमेनक्लेचर के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल सोसाइटीज एक ऐसा संगठन है जो नोमेनक्लेचर करता है, नोमेनक्लेचर की ऑथेंटिसिटी देता है। लेकिन वायरस की जो नोमेनक्लेचर है वो इनके होस्ट के आधार पर कर दिया गया कि जैसे प्लांट वायरस है या ये एनिमल वायरस है या ये जो है ह्यूमन वायरस है, या इनके इनका जो नॉमिनेशन कर दिया गया कि पोलियो वायरस, रोगों के आधार पर कि पोलियो वायरस है या ये जो है डेंगू वायरस है या ये इबोला वायरस है या ये एड्स वायरस है। कुछ जो है शरीर में जहाँ वो एक्टिविटी करता है अपनी, जहाँ वो हार्मफुल इफेक्ट अपने शो करता है वायरस, तो उसके नाम पर कर दिया। जैसे लिम्फ नोड वगैरह में करता है तो उसको एडीनो वायरस बोल देते हैं। तो इस प्रकार जो है इनका नोमेनक्लेचर किया गया। तो खास इस पर नोमेनक्लेचर पर भी इसकी अभी तक कोई वो नहीं, लेकिन जो तो साइंटिस्ट थे उनका नाम था लुओस, एक थे टोर्निसर, एक थे लोअर्फ हॉर्न और टोर्नियर। ये तीन साइंटिस्ट थे, लोअर्फ हॉर्न और टोर्नियर, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द साइज। इन्होंने क्या किया था, LHT सिस्टम दिया था इन्होंने, लोअर्फ हॉर्न और टोर्नियर ने। इनके द्वारा दिया गया जो क्लासिफिकेशन था उसको LHT सिस्टम बोलते हैं, उसको बोलते हैं LHT सिस्टम। इन्होंने उसके जीनोम के आधार पर, उनका साइज क्या था, उनकी स्ट्रक्चर क्या थी, उस बेसिस पर जो है इन्होंने वायरस का क्लासिफिकेशन किया। और जो ICTV है, इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर द टैक्सोनॉमिकल ऑफ वायरसेस, उन्होंने इसको उस कमेटी ने, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर वायरसेस की जो नोमेनक्लेचर की, सॉरी टैक्सोनॉमी की जो वो थी कमेटी थी, उन्होंने इसको जो ऑथेंटिसिटी दे दी कि हाँ, इनका जो टैक्सोनॉमी है, इनका जो वर्गीकरण है वो ठीक है। अब देखिए, तो जो क्लासिफिकेशन है, इन जो वायरस का जो क्लासिफिकेशन है, वायरस हैव नो इवोल्यूशन ऑफ फाइलोजेनी सो कांट बी क्लासिफाइड एज नेचुरल क्लासिफिकेशन। इसको नेचुरल क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी कोई इवोल्यूशनरी हिस्ट्री नहीं है, इसकी कोई फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री नहीं है, इसका कोई फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप नहीं है। इस वजह, और जबकि नेचुरल
जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसमें किसी भी जीव की फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री कंसीडर की जाती है, उसमें फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री भी उसकी देखी जाती है कि इसकी उस वक्त उत्पत्ति कैसे हुई, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसकी इवोल्विंग जो जो रिलेशनशिप था अन्य जीवों के मुकाबले कैसा था, तो उसको बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो ऐसे तो किया नहीं जा सकता। एक साइंटिस्ट थे होल्म्स 1948, उन्होंने ऑर्डर दिया वायरल्स, और उन्होंने इस वायरल्स ऑर्डर में इन्होंने जो वायरस हैं उनके होस्ट के आधार पर वायरस का क्लासिफिकेशन किया। कैसे किया? फाइटोफैगिंग मतलब वो वायरस जो प्लांट में रोग पैदा करते हों, जो प्लांट को अपना होस्ट समझते हों, प्लांट वायरसेस या फाइटोफैगनी में हम उनको रखते हैं। दूसरे थे जूफैगनी या एनिमल वायरस, कि जो वायरस एनिमल को अपना होस्ट बनाते हों या जो जिनके होस्ट एनिमल हों उनको जूफैगनी कहते हैं। तीसरे थे फैगनी, यानी कि ये थे बैक्टीरियल वायरस। तो ये जो तीसरी वाली जो श्रेणी थी फैगनी वाली, इसमें जितने भी वायरस थे वो बैक्टीरिया को अपना होस्ट मानते थे, तो ये जो होल्म्स का जो 1948 में जो ऑर्डर वायरस जो दिया था इन्होंने, वायरस को इस हिसाब से क्लासिफाइड किया था कि जिस हिसाब से वायरस के होस्ट है उस हिसाब से उनको तीन क्लासेस में बांटा था। पहली थी फाइटोफैगनी, दूसरी थी जूफैगनी, तीसरी थी फैगनी। तो फाइटोफैगनी में प्लांट वायरस आते हैं, जूफैगनी में एनिमल वायरस आते हैं, और फैगनी में बैक्टीरियल वायरस आते हैं। तो अब हम बात करेंगे एलएचटी सिस्टम पर। जो साइंटिस्ट थे इन्होंने जो दिया था एलएचटी सिस्टम, तो इन्होंने जो साइंटिस्ट थे तीन, लोफ होर और टोर्नियर, लोफ होर एंड टोर्नियर, ठीक है, इन्होंने ये एलएचटी सिस्टम दिया था। तो इन्होंने फाइलम वायरा में जो है जो वायरस होते हैं उनकी सिमेट्री के आधार पर, उनकी स्ट्रक्चर के आधार पर, उनके जेनेटिक मटेरियल के आधार पर वायरस को कुछ इस तरीके से जो है क्लासिफाइड किया था। तो फाइलम वायरा में इन्होंने वायरस को रखा था। सबसे पहले इन्होंने दो सब फाइलम में इसको बांटा, सब फाइलम एक डीऑक्सीवायरा, सब फाइलम दो राइबोवायरा। जो डीऑक्सीवायरा था वो सारे डीएनए वायरसेस थे, और जो राइबोवायरा था उसमें सारे आरएनए वायरस थे। एक तो ये बात। दूसरी बात, इन्होंने जो सब फाइलम डीऑक्सीवायरा था उसको फिर तीन जो है अलग अलग ग्रुपों में बांटा। तो पहला ग्रुप जो था वो था डीऑक्सी हेलिका, यानी कि हेलिकल सिमेट्री, या हेलिकल सिमेट्री थी इसमें सारे में। और दूसरा था डीऑक्सी क्यूबिका, क्यूबिडल सिमेट्री थी इसमें। और तीसरा था डीऑक्सी बाइनेला। तो ये वो वायरस थे जिनमें हेड और टेल पाई जाती हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज, वायरस था। तो ये उस प्रकार के वायरस थे जिनमें हेड और टेल पाई जाती हैं। अब देखो सब फाइलम राइबोवायरा में क्या था। सब फाइलम राइबोवायरा में सारे जो वायरस थे वो आरएनए वायरस थे। ये भी दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला था राइबोहेलिका, यानी कि हेलिकल सिमेट्री। दूसरा था राइबोक्यूबिका, इसकी सिमेट्री थी कैसी? आइकोसोहेड्रल या क्यूबिडल सिमेट्री। तो ये जो इनका जो एलएचटी सिस्टम था उसमें वायरस का क्लासिफिकेशन कुछ इस प्रकार है। दूसरी बात याद रखने वाली बात ये है कि जितने भी डीएनए वायरस हैं उनका जो डीएनए होगा वो डबल स्ट्रैंडेड होगा, और सर्कुलर हो सकता है या लीनियर होगा। और जितने आरएनए वायरस हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा और लीनियर होगा। तो ये था एलएचटी सिस्टम में दिया गया, एलएचटी सिस्टम में लोर्फ हॉर्न और टोर्नियर द्वारा दिया गया सिस्टम, उसमें वायरस का क्लासिफिकेशन।
अब हम बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ वायरस। वायरस का केमिकल कंपोजिशन जो है वो क्या है, उसका रासायनिक संघटन क्या है। वायरस जो होता है वो दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। जो वायरस होता है उसकी जो बॉडी होती है उसकी आउटर जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम कैप्सिड बोलते हैं। जो वायरस होता है वो क्या होता है, वो उसको हम बोलते हैं कैप्सिड। और वो जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं कैप्सोमियर्स। देखिए कैसा होता है वायरस, जैसे मान लो मेरे पास जो है ये है, ये है मान लो इस कपड़े को, मान लो आप जेनेटिक मटेरियल, और ये जो बाहर जो आपको टेप का जो दिख रहा है बंडल सा, इसको मान लो कैप्सिड, इसको मान लो कैप्सिड, और ये इसमें ऐसे इसमें एक कुछ ऐसे मिनर में अंदर सेट रहता है। तो जो बाहर का जो कवर है ये दिख रहा है ना बाहर का, ये कवर जो है ये कैप्सिड है, और जिससे मिलकर बना है जो छोटे छोटे सब यूनिट हैं जिनसे मिलकर ये कैप्सिड बना है उसको बोलते हैं कैप्सोमियर्स। और ये क्या होती हैं, ये प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। तो ये पूरा प्रोटीन कोट है और अंदर इसका जो कोर है ये जेनेटिक मटेरियल है। और ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये इसके कोर में पाया जाता है और चारों तरफ इसके प्रोटीन कोट रहता है। ये दोनों मिलकर प्रोटीन कोट और प्लस प्रोटीन कोट और ये जेनेटिक मटेरियल दोनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड। क्या बनाते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड बनाते हैं। और ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये तो ये या तो ये आरएनए होगा या डीएनए, दोनों एक साथ कभी नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है, ये अंदर वाला जो कोर है, तो न्यूक्लिक एसिड जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसका कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा। और वो कवरिंग रहेगा किसके साथ, वो कवर रहेगा प्रोटीन कोट के साथ, जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, जो बना हुआ होता है कैप्सोमियर्स का। अच्छा क्या होता है कि कुछ वायरस में क्या होता है, कुछ वायरस में इस प्रोटीन कोट के अलावा भी कुछ और एनवेलप लगा हुआ होता है। मेरी बात सुनिए, अभी जब COVID-19 वायरस आया था तो उस कोविड, ध्यान से सुनो, COVID-19 वायरस जो आया था उस वायरस में प्रोटीन कोट जो था उसका, जो कैप्सिड जो था, उस कैप्सिड पर प्रोटीन के अलावा कुछ और पदार्थ थे, वो लिपिड थी। क्या थी वो, लिपिड की कुछ ऐसी स्ट्रक्चर थी, और जो लिपिड की कुछ ऐसी जो संरचना थी तो वो जैसे हमारे फेफड़ों में जाती थी तो हमारे फेफड़ों में एक फ्लूड भरना शुरू हो जाता था। उसकी रेस्पॉन्स में वायरस से हमारी डेथ नहीं होती थी, हमारे जो फेफड़े होते थे उन फेफड़ों में वो प्लूरोपीडल फ्लूड जिसको बोलते हैं हम, या क्या उसका नाम बोलते हैं, वो फ्लूड हमारी जो एल्वियोलाई होती हैं लंग्स की, उनमें ऑटोमेटिक सेपरेट होना शुरू हो जाता था, और जिससे हमारी जो है वाइटल कैपेसिटी कम हो जाती थी, हमारी सांस लेने की क्षमता कम हो जाती थी, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती थी। तो जो वो प्रोटीन के साथ जो लगा हुआ था लिपिड, जो मॉलिक्यूल लगे हुए थे, तो उन्होंने उसको एनवेलप बना दिया। तो प्रोटीन को अंदर सेंट्रल कोड में जेनेटिक मटेरियल, बाहर प्रोटीन कोड, और उसके बाहर भी इस प्रोटीन के साथ अटैच कुछ लिपिड मॉलिक्यूल लगे रहते हैं। तो जिसमें लिपिड प्रोटीन के साथ जुड़े रहते हैं उसको बोलते हैं एनवेलप्ड वायरस। और जो वो प्रोटीन कोड के साथ जो लेयर लगी रहती है उसको बोलते हैं एनवेलप, ठीक है। तो कुछ वायरसों में क्या होता है, एनवेलप लगा हुआ होता है जो कि एक्स्ट्रा कैप्सिड के अलावा एक्स्ट्रा प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ होता है, ध्यान रखने वाली बात है। तो ये थी हमारे केमिकल कंपोजिशन किसकी, हमारे वायरस की। प्रोटीन कोट होता है बिल्कुल बाहर कैप्सिड बनाता है, जो छोटी सब यूनिट से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं कैप्सोमियर्स। और सेंट्रल कोड में होता है हमारा डीएनए या आरएनए, जो जेनेटिक मटेरियल तरह काम करता है। और न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड मिलकर न्यूक्लियो कैप्सिड बनाते हैं, और प्रोटीन और लिपिड मिलकर एनवेलप्ड बनाते हैं, जो कि एनवेलप्ड वायरस में पाए जाते हैं, ठीक है। ये था इसका केमिकल कंपोजिशन। देखो अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए वायरस। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में हमने बात की थी, जो केमिकल कंपोजिशन होता है वायरस का, मैंने बताया था कि केमिकल कंपोजिशन कैसा होता है। केमिकल कंपोजिशन कुछ इस तरीके से होता है कि मान लो जैसे ये हमारे पास एक नोट है और ये हमारे पास एक कोट है, ठीक है। तो मान लो ये प्रोटीन का कोट है, ये वाला हमारे पास जो ये है ये प्रोटीन का कोट है, और ये हमारे पास इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसमें ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा है, ऐसे बाहर इसका कोट है और ये इसका वो है। तो कोई भी वायरस है उसकी जनरल स्ट्रक्चर क्या है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो होगा उसके इनसाइड, उसके अंदर साइड होगा, और जो बाहर उसकी जो कवरिंग होगी वो होगा प्रोटीन का कोट, उसको हम कैप्सिड बोलते हैं, जो छोटी छोटी सेगमेंट से मिलकर बना होता है
जिसको हम कैप्सोमियर्स बोलते हैं। एक तो चीज ये है, हो सकता है कि कैप्सिड में कुछ प्रोटीन के अलावा कुछ लिपिड मॉलिक्यूल्स भी लगे हुए हों, हो सकता है कि कुछ ऐसी स्ट्रक्चर लगी हुई हो सकता है कुछ ऐसी स्ट्रक्चर लगी हुई हो इसमें, तो ये एक और एक्स्ट्रा एनवेलप टाइप का सा बना देंगे। तो इनको हम एनवेलप्ड वायरस बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एनवेलप्ड वायरस। तो प्रोटीन के साथ साथ प्रोटीन प्लस लिपिड ये जुड़ सकते हैं इस कैप्सिड में, लेकिन कोई वायरस होगा उसमें आउटसाइड में प्रोटीन का कोट ही होगा जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं। उसमें यदि लिपिड जुड़ जाएगा उस प्रोटीन साथ, तो लिपिड और प्रोटीन का मिलकर वो एक एनवेलप बना लेंगे, कवर जैसा और बना लेंगे, और वो और ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा, और ज़्यादा वो जो है अनस्टेबल हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस हो जाएगा। जैसे कोरोना वायरस आया था उसमें एक लिपिड का एनवेलप था, इस वजह से वो और ज़्यादा खतरनाक हो गया था ह्यूमन सोसाइटी के लिए। तो इस तरीके से जनरल जो स्ट्रक्चर है वो ये है। अब देखो हम एक बात करते हैं, ये हमारे पास एक बैक्टीरियोफेज वायरस है। ये क्या है? बैक्टीरियोफेज वायरस है। बैक्टीरियोफेज वायरस वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को अपना होस्ट बनाते हैं, जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो इसको दिखाई दे रहा है इसका हेड, ये इसका हेड है, ये इसका हेड है, ये इसकी टेल, इसका ये कॉलर है और ये इसकी टेल है, और ये इसका टेल फाइबर है। इस टेल फाइबर की मदद से बैक्टीरिया सेल पर बैठ जाता है और अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ से पास कर देता है। तो ये है, तो ये इसका हेड जो है, इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये है जेनेटिक मटेरियल। तो ये बाहर वाली जो इसकी जो कवरिंग है पूरी, ये क्या है, ये प्रोटीन है, ये क्या है, प्रोटीन है ये, और ये बाकी जो अंदर है ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। अब देखो हम टीएमबी की देख लेते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो आपको अंगूर जैसे गुच्छे जो दिखाई दे रहे हैं, ये कैप्सोमियर्स हैं। इन कैप्सोमियर्स ने पूरे ने मिलकर क्या बना दिया, एक कवर बना दिया है, प्रोटीन का एक कवर बना दिया, इसको कैप्सिड बोलते हैं। और देखो इसमें क्या है, ये सेंट्रल कोड में एक जेनेटिक मटेरियल है, सेंट्रल कोड में क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। इसका ये आनुवंशिक पदार्थ है जिसको हम आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। ये हमारे इसके सेंट्रल कोर में है, एकदम अंदर है, और कवर किससे है, ये प्रोटीन कोट से कवर है। तो ये क्या है, ये इसका कैप्सिड है, और ये क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल। जो पिछली कक्षा हमने ली गई थी जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस किया था, उसमें हमने एक इंफॉर्मेशन थोड़ा सा स्लाइटली मिस्टेक हो गई। उसमें क्या था, हमने बताया था कि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस को 1935 में क्रिस्टलाइज किया था। तो उसमें हमने जो नाम बोला था वो बोलना था हमको स्टेनले, लेकिन हमने स्टेनले मिलर बोल दिया था, स्टेनले मिलर। तो वो स्टेनले मिलर नहीं है, उनका नाम है WM स्टेनले। तो गलती से ये नाम जो है स्टेनले मिलर मुझसे निकल गया था फिलो में, तो ये 1935 में इसको क्रिस्टलाइज किया था। तो इसको थोड़ा सा संशोधित कर लें, ये मतलब स्लाइड की मिस्टेक मुझसे हुई है, तो इसको जो है सही कर लें। इसका जो क्रिस्टलाइज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था WM स्टेनले, वो स्टेनले मिलर नहीं थे, वो दूसरे साइंटिस्ट हैं, और जिन्होंने क्रिस्टलाइज किया था वो थे WM स्टेनले। 1935 में उन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, बोतल में बंद कर रख दिया था, ठीक है। तो ये थी भाई हमारे वायरस की स्ट्रक्चर। ओवरऑल स्ट्रक्चर होती है, आउटर जो कवरिंग होती है वो प्रोटीन की बनी होती है, इसको हम कैप्सिड बोलते हैं। उसमें हो सकता है एक्स्ट्रा जो है मॉलिक्यूल लगे हुए लिपिड के, वो एनवेलप बनाते हैं, और जिनमें एनवेलप पाया जाता है उसको हम एनवेलप्ड वायरस बोलते हैं। और सेंट्रल कोड में जेनेटिक मटेरियल होता है, वो डीएनए हो सकता है, चाहे वो आरएनए हो सकता है, दोनों जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए एक साथ कभी नहीं हो सकते वायरस में। तो ये इसकी फंडामेंटल स्ट्रक्चर थी। हमने दो उदाहरण ले लिए, एक टीएमवी वायरस और एक दूसरा ले लिया बैक्टीरियोफेज वायरस। इन दोनों की स्ट्रक्चर ये है कि प्रोटीन कोट है, ये वाला प्रोटीन कोट है जिसको हम कैप्सिड बोल रहे हैं, ये इसमें जेनेटिक मटेरियल है, इसमें ये जेनेटिक मटेरियल है। तो ये थी अब तक की स्ट्रक्चर, वायरस की स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे टीएमवी वायरस पर, थोड़ी सी विस्तृत में जो हम बात करना चाहेंगे केवल टीएमवी वायरस पर, कि टीएमवी फुल फॉर्म होती है टोबैको मोज़ेक वायरस। अभी हमने स्ट्रक्चर से बात की थी ना, कि सेंट्रल कोड होता है, फिर उसके जो कैप्सिड होता है वो अंगूर जैसी गुच्छे जैसे लगा रहते, तो वो कैप्सोमियर्स कहलाते हैं। क्या था, सबसे पहले जो वायरस की खोज की थी आइवन वास्की ने, जो रशियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने तंबाकू की पत्तियों से जो अर्क निकाल करता उसका
टेस्ट करके देखा था। तो यही TMV की उन्होंने खोज की थी एक्चुअल में। तो सबसे पहले 1892 आइवान वास्की ने खोज की थी इसकी, और इसकी हेलिकल सिमेट्री होती है, और दूसरी बात इसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, और इसके जो कैप्सोमियर्स की जो संख्या थी, जो इसके जो कैप्सोमियर्स जो बने हुए थे, जो मुड़ जैसे गुच्छे जो थे, उनकी संख्या थी 2130। जो कैप्सिड बनाने वाले जो यूनिट थी, मोनोमर्स थे, वो बोलते कैप्सोमियर्स, तो टोटल जो कैप्सोमियर्स थे वो 2130 थे, 2130। इसमें 5% RNA होता है, 95% क्या होती है, प्रोटीन होती है, और ये तंबाकू में मोजेक रोग पैदा करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये चीज थी। दूसरा है बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, बैक्टीरिया के शरीर में अपने जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट करते हैं, और वहां जाकर बैक्टीरियल मशीनरी में दो प्रकार की लेटिक साइकिल चलती है, लाइसोजाइमिक साइकिल चलती है, उसके थ्रू अपनी कॉपी मल्टीप्लाई करते हैं, और उसमें अपनी संख्या बढ़ाने के बाद उस कोशिका को फाड़ के, उस बैक्टीरिया कोशिका को फाड़ के बाहर आ जाते हैं, फिर दूसरी कोशिका को अपना होस्ट बनाते हैं, सेम वही प्रक्रिया उस बैक्टीरिया के अंदर करते हैं। तो ये वायरस जो है इनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। इसकी खोज की थी F.W. टोर्ट और नाम दिया था फेलिक्स डी हेरेल ने बैक्टीरियोफेज। अच्छा, QB बैक्टीरियोफेज, उसमें होता सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, और दूसरा होता 5x174 बैक्टीरियोफेज, उसमें होता सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। तो ये थे हमारे बैक्टीरियोफेज। अच्छा, अब मैं बात करता हूं, जैसे बैक्टीरियोफेज वायरस है, जो बैक्टीरियोफेज वायरस है वो क्या करता है कि देखिए क्या होता है कि मान लीजिए बैक्टीरिया की कोशिका है, इसके ऊपर आकर हमारा बैक्टीरियोफेज वायरस बैठ गया, बैठ गया ऐसे, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है इस कोशिका में चला जाएगा, तो इसका बैक्टीरिया के साथ वो करेगा, तो यहाँ यह बहुत सारी अपनी कॉपी तैयार कर लेंगे वायरस, ये वायरस जो बैक्टीरियोफेज यहाँ बहुत सारी कॉपी अपनी तैयार कर लेगा, ऐसे ऐसी कॉपी बहुत सारी कॉपी तैयार कर लेगा ऐसे ऐसे, और इसे फाड़ के ये यहाँ से ये बाहर निकल जाएंगे सारे बैक्टीरियोफेज, ये सारे बाहर निकल जाएंगे ऐसे। तो ये जो बैक्टीरियोफेज थे, तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कैसे, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कैसे गए, अब ये नया जो वायरस जो बन गया है, अब ये दूसरी कोशिका में जाकर अटैक करेगा। तो ये जो हमारा जो तरीका है इसको बोला जाता है ट्रांसडक्शन, और जिंडर एंड लेडरबर्ग ने 1952 में इसकी खोज की थी, साल्मोनेला टाइफीमुरियम जो बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये जो है इसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। अब ये क्या करते हैं, ये अपना जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में ट्रांसफर करते रहते हैं, ठीक है। तो जिंडर लेडरबर्ग ने 1952 में इसकी खोज की थी साल्मोनेला टाइफीमुरियम बैक्टीरिया पर। चलिए अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जैसे बैक्टीरिया को होस्ट बनाने वाली, यानी कि बैक्टीरिया की जो बैक्टीरिया जिन विषाणुओं के होस्ट थे उनको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, इस प्रकार कुछ वायरस होते हैं जिनको हम साइनोफेज बोलते हैं। साइनोफेज का मतलब यह है कि ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोफाइटा, या साइनोफाइटा वे वायरस जो साइनोफाइटा या ब्लू ग्रीन एल्गी, जो वायरस ब्लू ग्रीन एल्गी को अपना होस्ट बनाते हैं, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी जिन वायरसों का होस्ट है उन वायरसों को बोलते हैं हम साइनोफेज, और इसमें होता है डबल स्टैंडर्ड DNA, इसमें होता है, इन वायरसों में होता है डबल स्टैंडर्ड DNA। साइनोफेज जो होते हैं, साइनोफेज वो वायरस होते हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी को जो है अपना होस्ट बनाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी पर अपना अटैक करते हैं। एक होते हैं माइक्रोफेज। माइक्रोफेज कौन से वायरस होते हैं, माइक्रोफेज वो वायरस होते हैं जो फंजाई को होस्ट बनाते हैं, यानी कि जो अटैक फंजाई पर करते हैं, जिनका अटैक किस पर होता है, फंजाई पर होता है, उसको बोलते हैं हम माइक्रोफेज वायरस, और इनमें होता है डबल स्ट्रैंडेड RNA। देखिए जो ब्लू ग्रीन एल्गी पर अटैक करने वाले जो साइनोफेज वायरसेस होते हैं उनमें होता है डबल स्ट्रैंडेड DNA, लेकिन जो माइक्रोफेज जो होते हैं वो फंगस वायरस होते हैं, फंजाई वाले वायरस होते हैं, और उनमें होता है
डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब देखो बात करते हैं हम प्लांट डिसीज की। प्लांट में कौन कौन से डिसीज होते हैं? टीएम डिसीज, टोबैको मोजेक डिसीज, जो कौन करता है? टोबैको मोजेक वायरस। पोटैटो लीफ कर्ल, लीफ रोल, पोटैटो की लीफ रोल जो बीमारी होती है वायरस से होती है। क्लोरोसिस यानी कि जो हरा कलर होता है वो पीला पड़ जाना, क्लोरोफिल बनना बंद हो जाना, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। नेक्रोसिस, नेक्रोसिस का मतलब होता है जो पौधे की पत्तियों की जो सेल हैं वो क्या हो जाती हैं, डेड होने लगती हैं, वो फटने लगती हैं, वो टुकड़े टुकड़े होकर जो वो नष्ट होने लगती हैं। ड्वार्फिज्म, बोनापन, बोनापन भी वायरस के वजह से होता है पौधों में। एक होता है लीफ कर्ल ऑफ पपाया, पपाया की लीफ क्या हो जाती है, कर्ल होना शुरू हो जाती है, घुंडी बननी शुरू हो जाती है, वो अपने आप को खुला नहीं रख पा रही होती है, ठीक है। और एक होता है बंची टॉप बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बंची टॉप ऑफ बनाना। ये कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि बंची टॉप ऑफ बनाना, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें, हो सकता है कि ये आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट लीफ कर्ल ऑफ पपाया, तो ये वायरस से होने वाली डिसीज हैं। अब देखते हैं एनिमल वायरस, अब हम देखते हैं एनिमल वायरस, एनिमल वायरस कौन से, मम्स वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, कोरोना वायरस को कौन बोल सकते हैं, पूरी दुनिया हिला के रख दी थी, हैं, एड्स वायरस है, हर्पीज वायरस है, ऐसे बहुत सारे तमाम वायरस हैं, ठीक है। डेंगू जो है, डेंगू, डेंगू जिस वजह से होता है वो भी वायरस की वजह से होता है, लेकिन उसका जो वेक्टर होता है उस वायरस का एक मच्छर होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे वायरस थे जिन पर अभी हमने चर्चा की थी। इन वायरस के अलावा भी वायरस जैसे कुछ स्ट्रक्चर हैं जिस पर अब हम बात करेंगे कि वायरस के अलावा भी कुछ ऐसी संरचनात्मक जो है स्ट्रक्चर हैं जो बहुत सारे रोगों के लिए जिम्मेदार हैं, जो बहुत सारी बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं। तो हम ये तो रहा हमारे वायरस के बारे में, अब हम उन स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमने वायरस के बारे में तो बहुत अच्छी स्टडी करी है, वायरस के अलावा भी थोड़ा सा वायरस से रिलेटेड कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिन पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे। जैसे वायरोइन, वायरोइन क्या है, वायरोइन कुछ नहीं है, वायरोइन सेम जैसे वायरस है वही वायरस है, लेकिन एक एक यूनिट है वायरस की, एक यूनिट जो इन्फेक्शस है, जो इन्फेक्शन करने के लिए कैपेबल है, उसको हम वायरोइन बोलते हैं। क्या है वो, उसका जेनेटिक मटेरियल है और प्रोटीन है, जेनेटिक मटेरियल है अंदर और प्रोटीन क्या बाहर, वही वायरस की स्ट्रक्चर थी। वायरस को ही वायरोइन बोलते हैं, बस ये है कि वो डिसीज कॉज कर सके, वो डिसीज कॉज करने की कैपेबिलिटी रखती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम वन इन्फेक्शियस यूनिट ऑफ वायरस, वन इन्फेक्शियस यूनिट ऑफ वायरस इज कॉल्ड एज वायरोइन, वायरल पार्टिकल विच इज कैपेबल ऑफ द कॉजिंग इन्फेक्शन कॉल्ड वायरोइन। यानी कि वायरोइन वो हैं जो इट इंक्लूड न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बनी हुई वायरस की वो यूनिट, वो स्ट्रक्चर जो इन्फेक्शन करने के लिए कैपेबल हो, जो इन्फेक्शन कॉज कर सके, उसको हम बोलेंगे वायरोइन। दूसरा एक और है वायरोइड्स, वायरोइड्स में क्या होता है, देखिए वायरोइन में क्या था, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन था, वायरोइड में क्या था, वायरोइड में वायरोइड्स वे पार्टिकल होते हैं जो केवल आरएनए के बने हुए होते हैं, उनमें प्रोटीन नहीं पाई जाती, केवल वो आरएनए पार्टिकल होते हैं और इतने स्मॉल होते हैं, बहुत लो मोलिकुलर वेट के सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, और वो इन्फेक्शन कॉज कर सकें, उनको हम बोलते हैं वायरोइड्स। और इसकी खोज की थी टीओ डाइनर ने 1971 में। इन्फेक्शियस एजेंट स्मॉलर देन द वायरस, वायरस से छोटे होते हैं और क्या होते हैं, फ्री इन्फेक्शियस आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। टीओ डाइनर ने इसकी खोज की थी 1971 में। ओनली लो मोलिकुलर वेट सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल नॉट प्रोटीन प्रेजेंट, और इसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती है, और कोज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, पोटैटो में आलू में ये रोग पैदा करते हैं, उसको बोलते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, तो उसके लिए जिम्मेदार हैं ये वायरोइड्स। एक और है प्रायोन्स, इसको बोलते हैं स्लो वायरसेस, प्रायोन्स जो होते हैं, पी फॉर प्रायोन्स, पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर प्रायोन, पी फॉर प्रोटीन्स। तो ये जो प्रायोन्स होते हैं ये स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस प्रोटीन होती हैं, ये वो प्रोटीन होती हैं जो बहुत ही स्मॉलेस्ट हैं, सबसे छोटे प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं जो इन्फेक्शन करने के लिए, इन्फेक्शन फैलाने के लिए कैपेबल हैं। और ये कैटल में यानी जानवरों में मैड काउ डिसीज वो करती हैं, और एक मनुष्य में रोग होता है उसको बोलते हैं सी आर जैकब डिसीज, मैन में सी आर जैकब डिसीज होता है उसके लिए कैपेबल होती हैं
उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है प्राइमोस। तो हमारा ये वायरस का जो चैप्टर है, वायरस का जो टॉपिक था हमारा, आज यहाँ फिनिश होता है। जो बच्चे यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो हमारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और वायरस पर जो प्रश्न उत्तरी है वो अगली वीडियो में देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।